हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे 2014 में आई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी लास्ट शिफ्ट की, जिसे डायरेक्ट किया था एंथनी डी ब्लेसी ने। एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.8 out of 10। तो मूवी स्टार्ट होती है एक रूकी पुलिस ऑफिसर जेसिका लॉरेंस से, जिसकी पहली शिफ्ट स्थायी रूप से बंद होने से पहले एक पुलिस स्टेशन में होती है। ये पुलिस स्टेशन अगले ही दिन बंद होने वाला था एंड जेसिका को सिर्फ रात से सुबह 4 बजे तक ही वहाँ रहना था। फिर जेसिका को भी नए पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। ड्यूटी से पहले जेसिका अपनी माँ से फोन पर बात करती है। वहाँ उसकी माँ उसे ये शिफ्ट लेने से मना करती है, क्योंकि जेसिका के पिता भी एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि ड्यूटी करते टाइम गन फायरिंग में मारे गए थे। उसके बाद जेसिका फोन कट कर पुलिस स्टेशन में एंट्री करती है, जहाँ उसे कमांडिंग ऑफिसर कोहिन कुछ अजीब हरकतें करते नजर आते हैं। वो जेसिका को पीछे मुड़ने को कहते हैं और थोड़ी पूछताछ के बाद उसे बताते हैं कि थोड़ी ही देर में यहाँ एक हैजमेट टीम कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आएगी और जेसिका को यहाँ सुबह 4 बजे तक ड्यूटी करनी होगी एंड वो इस बीच में छोड़कर उसे नहीं जा सकती। जाने से पहले ऑफिसर कोहेन अपना फोन नंबर जेसिका को दे जाते हैं ताकि किसी इमरजेंसी में वो उन्हें कॉल कर पाए। उसके बाद वो वहाँ अकेली हो जाती है और बोर होते होते उसकी आंख लग जाती है। इसी बीच उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी आंख तुरंत खुलती है और जब वो चेक करने जाती है वहाँ कोई नहीं होता। वो वापस आकर अपना डिनर करती है, जहाँ उसको खाते टाइम एक बड़ा सा हेयर मिलता है और वो खाना छोड़ देती है। फिर उसको एक अनजान आदमी पुलिस स्टेशन में यूरिनेट करते दिखता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकालती है। फिर जेसिका को किसी मोनिका नाम की लड़की का कॉल्स आ रहे थे, जो बार बार कह रही थी कि उसकी जान खतरे में है। फिर वो अपने हायर अथॉरिटीज से इन सब कॉल्स के बारे में पता करती है, लेकिन उनका कहना था कि सारे के सारे कॉल्स न्यू स्टेशन की तरफ रे आउट कर दिए गए हैं। ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो एक बार चेक जरूर कर लेंगे। फिर से जेसिका को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जेसिका एक लॉकर रूम में पहुंचती है, जहां उसे अपने पिता के लॉकर रूम से अपने पिता के साथ की एक बचपन की तस्वीर मिलती है। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है उस तस्वीर को देखकर एंड जब वो लॉकर्स देखती है तो सारे के सारे लॉकर्स उसके बहुत पास आ गए थे, एक अजीब सी पोजीशन में। इसे देखकर जेसिका बहुत डर जाती है, तो उसे लगता है कि शायद ही उसने लॉकर्स की पोजीशंस पर ध्यान नहीं दिया होगा। फिर से जेसिका को वहाँ पे आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो उनके पीछे एक स्टोर रूम में पहुँचती है, जहाँ फिर से उसे वही अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। वो जेसिका की एक बात नहीं सुनता एंड वो कुछ वहाँ पे ढूंढ रहा था। जेसिका किसी तरह उसे हैंडकफ पहना कर सेल में बंद कर देती है, लेकिन अचानक से वहाँ लाइट्स बंद हो जाती हैं। जेसिका को वहाँ कुछ दिखता है और उसकी टॉर्च गिर जाती है। फिर उसकी टॉर्च कोई सडनली उठा लेता है एंड धीरे धीरे से उसे कुछ कहने लगता है। फिर अचानक से एक डरावनी आकृति उसे नजर आती है और लाइट्स वापस आ जाती है। फिर जेसिका वापस आकर बैठ जाती है। वो उस समय बहुत अचंभित हो जाती है जब वो कुर्सियाँ और दरवाजों को अपने आप ही हिलते देखती है। घोस्टली फिगर्स उसके सामने आने लगते हैं और एक सिंगिंग वॉइस भी उसे सुनाई देने लगती है। इसी बीच मोनिका नाम की लड़की के कॉल्स लगातार जेसिका को आ रहे थे। वो उसे धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि उसे किसी कल्ट के मेंबर ने अगवा किया है और उसके साथ कई सारी लड़कियाँ भी है। जेसिका अपने सीनियर्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद जेसिका को पुलिस स्टेशन के बाहर एक लड़की स्मोक करते हुए दिखाई देती है। उस लड़की का नाम मैरी गोल्ड था। वो पुलिस स्टेशन के बारे में बात करते हुए बताती है कि पिछले साल इस स्टेशन में 3 लोगों को, जो किसी कल्ट के मेंबर्स थे, उन्हें यहाँ पर पकड़ कर लाया गया था और 1 साल पहले ही ठीक इसी दिन उन मेंबर्स ने एक साथ सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी और अब इस स्टेशन को खाली किया जा रहा है। अब ये सब जानने के बाद जेसिका को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर अंदर आने पर इंटेरोगेशन रूम में जेसिका उन्हीं तीनों मेंबर्स के इंटेरोगेशन टेप देखती है, जिन्होंने यहाँ सुसाइड किया था। इन रिकॉर्ड्स को देख हम जान पाते हैं कि उन तीनों में 2 लड़कियां किटी पाइमोन एंडोरिया पाइमोन थी और एक लड़का जॉन माइकल पाइमोन था। इन लोगों का लास्ट नेम पाइमोन इसीलिए था
क्योंकि ये लोग किंग ऑफ हेल पायमोन को पूछते थे और उसे ही इस दुनिया में लाने के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़कियों का खून किया था, क्योंकि वो एक साहसी और निडर लड़की की सोल चाहते थे। इससे पहले कि उन्हें ऐसी लड़की मिलती, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उसके बाद अचानक से वहाँ सभी चेयर्स एक वियर्ड सी पोजीशन में आ जाते हैं और तभी उसको गेट पर एक रायन प्राइस नाम का पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो कि जेसिका के पिता के साथ यहाँ पर ड्यूटी पर था। वो जेसिका से कहता है कि वो उसका हाल चाल पूछने के लिए वहाँ आया है। जब वो ऑफिसर बातें करने के बाद वापस जाने लगता है तो जेसिका को उसके सिर के पीछे एक बहुत बड़ा सा घाव दिखता है और अचानक से वो गायब हो जाता है। पूरी रात जेसिका को यही सब कुछ आकृतियाँ नजर आती रहती हैं और अब जेसिका पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। जेसिका को वहाँ सारी लड़कियों की आत्माएं दिखती हैं जिनको रिचुअल करके मारा गया था। उसी बीच उसको मोनिका का फिर से कॉल आता है एंड इस बार हायर अथॉरिटी मोनिका के बारे में पता कर जेसिका को बताते हैं कि मोनिका तो एक साल पहले ही मारी जा चुकी है और मोनिका ही उन तीनों लोगों का आखिरी शिकार थी, क्योंकि एक साल पहले मोनिका ने ही उसके फादर को कॉल करके इस कल्ट ग्रुप के बारे में बताया था। ये सब जान जेसिका बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ उसे एक अनजान लड़की दिखाई देती है। जेसिका उसे फॉलो करके एक रूम तक पहुँचती है जहाँ उसे वो लड़की वार करके बेहोश कर देती है। फिर जब जेसिका को होश आता है तो वो उस लड़की को गन लिए अपने सामने बैठा देखती है। वो लड़की जेसिका से कहती है कि उसने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो मेरे अंदर नहीं है। मतलब कि जेसिका ही फाइनल विक्टिम थी जिसे इस काम के लिए चुना गया था, इसलिए जेसिका को ये सब दिखाई दे रहा था। और फिर वो लड़की खुद को गोली मार लेती है। उसके बाद जेसिका को एक डिफॉर्म लड़की दिखने लगती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन जेसिका की आंखें बंद करते ही वो लड़की खुद गायब हो जाती है। जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और मेन डोर पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई असर नहीं पड़ता। फिर जेसिका को अपने पिता का कॉल आता है कि वो चाहते हैं जेसिका यहीं रहे और उन्हें इंसाफ दिलाए। उसके बाद जेसिका को अब उस अनजान आदमी की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। जब जेसिका सेल खोलकर उसे बाहर निकालती है तो वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो डिमोनिक हो जाता है, यानी कि वो अब मर चुका था। दरअसल इस व्यक्ति की जो बेटी थी वो कल्ट की मेंबर बन चुकी थी और मारी गई थी, इसलिए उसकी मौत के अब एक साल बाद वो अपनी बेटी की कुछ चीजें ढूंढने के लिए आया था जो कि वो स्टोर रूम में ढूंढ रहा था। इस आदमी ने अपनी बेटी को बचपन में काफी मॉलेस्ट किया था, इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को मार दिया होगा। फिर जेसिका ये देखने के बाद उसी सेल के अंदर जाती है जहाँ उसे जॉन पायमोन के साथ दो और मेंबर्स नजर आते हैं, जिसे देख वो काफी डर जाती है। वो कोहिन को कॉल करती है कि उसे ये शिफ्ट नहीं करनी, लेकिन कोहिन कहता है कि अगर जॉब से क्विट करना हो तभी इस शिफ्ट को क्विट करना। ये सुनकर जेसिका कहती है कि वो शिफ्ट कंटिन्यू रखेगी। उसके बाद जेसिका को फिर से मोनिका की कॉल आती है और कॉल पर हंसने की आवाज आने लगती है। उसके बाद ही कल्ट की तस्वीरें हर जगह पुलिस स्टेशन में बिखर जाती हैं। पायमोन उसे डराने लगता है एंड कल्ट के मेंबर्स उस पर गोली चलाने लगते हैं और जेसिका भी उन पर गोली चलाने लगती है। फिर अचानक से कल्ट के मेंबर हमें हैजमेट टीम के मेंबर दिखाए जाते हैं, लेकिन जेसिका को वो सब कल्ट के मेंबर ही दिखाई दे रहे थे। फोन पर गोलियां चलाती हैं और ऑफिसर कोहेन वहां आकर जेसिका को रोकने के लिए उस पर ही गोली चला देते हैं। फिर जेसिका अपने सेंस में आती है तब उसे समझ आता है कि वो सब कल्ट के मेंबर्स नहीं बल्कि हैजमेट टीम के मेंबर्स थे जिन्हें उसने मार दिया। अंत में जेसिका वही टोन गाने लगती है जो बाकी कल्ट मेंबर्स ने गाई थी। फिर उसके सामने जॉन और उसके दो मेंबर्स आते हैं जो कि जेसिका को अपने साथ ले जाते हैं और इसी तरीके से जेसिका की फर्स्ट शिफ्ट लास्ट शिफ्ट बन जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।